चुकी है। और ये जो पत्रा है ना, ये सॉलिड होता है, ये बिल्ड क्वालिटी होती है ना मेटल की, ये टूटती नहीं है। लेकिन अब देखो बात, ये पूरा ये पत्रा, ये जो अंदर पत्रा दिख रहा है ना, ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरी रस्टिंग हो चुकी है। ये देख लो पहले से ही, मतलब ये पेंटिंग है ना, ये फेड आउट हो तो चुका था, और ये इसके जो है वो पार्टिकल्स है वो निकल गए, और इसके अंदर जो है आपको ये दिख रहा है, ये पूरा रस्ट हो चुका है। मैं शॉक में पड़ गया। अब ये कैसा होता था पार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये ड्राइवर के साइड में ऐसे जो है वो गई हुई है ना, अभी थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है, बंद कर देता हूँ। ये पूरी जो है वो अंदर गई हुई है, ये देख रहा हूँ सिमिलर है, पूरा रस्टिंग हो जाता है। यहाँ पर रस्टिंग अंदर से पूरा सड़ने लगता है। मारुति सुजुकी का एक एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं लगा, कि जो है वो कलर, ये देख रहे हो ये कलर फेड आउट हो जाता है, और उसके बाद ये पूरा निकलने के बाद ये पूरा अंदर रस्टिंग दिखाई पड़ता है। हेलो भाई, मैं हूँ कार, आपको तो मारुति सुजुकी की बिल्ड क्वालिटी पता ही है, और मैंने मेरी गाड़ी बहुत दिन हो गए आप वेटिंग कर रहे होगे कि नहीं दिखाई, तो आज मैं लिटिल लिटिल दिखाई देता हूँ मेरी गाड़ी, क्योंकि आज ऐसा एक जो है वो पूरे ये जो वीडियो है वो टिल एंड तक देखना, क्योंकि ये गाड़ी मेरी है ना, तो ये बहुत मार खा चुके हैं अभी बता दूँ, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, और मारुति सुजुकी उसमें ना बिल्ड क्वालिटी एक्सपोज हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई आगे जाके आप मारुति सुजुकी की गाड़ी परचेस करते हो, हाँ मारुति सुजुकी की गाड़ी परचेस कर सकते हो, ऐसे कोई नहीं, लेकिन थोड़ी सी और ज़रा मारुति सुजुकी की बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव कर देते तो भाई बहुत ही अच्छी जो है वो बात बन जाती है। क्योंकि मुझे तो लगता है 2018-2019-20 का पीरियड जो था वो बिल्ड क्वालिटी वाइज थोड़ा सा फीका पड़ जाता था, अब मतलब पीछे पड़ जाता अगर हुंडई से कंपेयर करते हो या फिर एनी अदर कंपनी से कंपेयर करते हो। तो आज ये मैं गाड़ी क्यों दिखाने वाला, अभी दिखाता हूँ आपको, टिल एंड तक ये वीडियो देख लेना, अगर चैनल पे नया तो OMA007 चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। अब ये मेरी गाड़ी है, देख लो यहाँ पे, ये गाड़ी है मारुति सुजुकी डिज़ायर। ओके, तो मैंने बहुत पहले आपको ये गाड़ी दिखाई थी, अपना गैरेज भी है यहाँ पे, मैं पार्क कर लेता हूँ यहाँ पे गाड़ी, लेकिन कुछ एक समाओ पीरियड, मतलब एक दो महीने के बाद, एक दो महीने पहले की बात है, अप्रैल मई में ये गाड़ी लग गई किसी को। ये देख लो यहाँ पे देख सकते हो, मतलब आपको कैमरा में नहीं दिखेगा, यहाँ पे जो है सफोमीटर सेडान है ये, और ये प्रॉपर जो है ए पिलर और बी पिलर के नीचे आप देख रहे हो ना, ये टोटल यहाँ पे कम्प्लीटली ये पूरी लग चुकी है, और ये जो पत्रा है ना, ये सॉलिड होता है, ये बिल्ड क्वालिटी होती है ना मेटल की, ये टूटती नहीं है। लेकिन अब देखो बात, ये पूरा ये पत्रा, ये जो अंदर पत्रा दिख रहा है ना, ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरी रस्टिंग हो चुकी है। ये देख लो पहले से ही, मतलब ये पेंटिंग है ना, ये फेड आउट हो तो चुका था, और ये इसके जो है वो पार्टिकल्स है वो निकल गए, और इसके अंदर जो है आपको ये दिख रहा है, ये पूरा रस्ट हो चुका है। मैं शॉक में पड़ गया यार, ये रस्ट कैसे हो सकता है, ये तो थोड़ा सा एकदम सिल्वर सा दिखना चाहिए ना, मतलब ये दूसरा मतलब पेंटिंग करने से पहले जो है वो रीपेंट कर देते हैं, उसके पहले जो है वो रॉ कलर लगाते हैं ना, वो तो सिल्वर ग्रे तो होना चाहिए, ये पूरा रस्ट हो चुका है यार। मतलब इसके अंदर भी सड़ रही है गाड़ी, मतलब सुन रहे हो, देख रहे हो कि ऐसे भी हो जाता है। और अगर बात करते हो महिंद्रा की या फिर टाटा की, तो मुझे नहीं लगता है उनके कंपेयर करते हो इससे, तो टाटा और महिंद्रा के पत्रे बहुत सॉलिड होते थे ये ऐसे सिचुएशन में। हाँ, एक तो बेंड तो होना चाहिए था, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि गाड़ी का टायर जो है वो यहाँ पे लगा था, ये देख लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा था और अंदर जाके घुसा था ये पार्ट। लेकिन इतनी गंदी तरह से ये जो है वो बिल्ड क्वालिटी तो ठीक है, चीप देते हैं, लेकिन प्राइस भी कम लेते हैं, लेकिन ये क्या है भाई, ये देख लो, दिखा रहा हूँ, ये देख लो पूरा जो है वो कलर जा चुका है अंदर। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे लग चुकी थी उस टाइम, ये भेस के पूरा जो है वो गाड़ी है जो यहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा पूरा हुआ मेजर, और यहाँ पे घिस के चली गई वो गाड़ी। ये देख लो यहाँ से सीधा, ये दिख रहा है कैमरा में, ये देख लो ये पूरा घिस के चली गई। अभी तो वो पूरा का पूरा जो है वो पॉलिश वॉलिश सिरेमिक कोटिंग मीटिंग सब कुछ जो करके रीपेंट वगैरह करना होगा। अभी यहाँ पे जो है ये जो है वो पॉलिश होके जा सकता है, लेकिन ये कलर वलर मार के ये पूरा क्लियर हो सकता है। और दूसरी बात है, ये जो है ना ये पार्ट देख रहे हो, ये पूरा बेंड हो चुका है, अब इसको ये ठोक के करेंगे मुझे तो नहीं लग रहा है, फिर पार्ट टू पार्ट चेंज होगा, अभी इंश्योरेंस में देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन यार वो झंझट बहुत है यार, अभी इसमें पार्किंग लॉट में भी दिक्कत होती है, ये देख लो गैप कितना जो हो जाता है, तो अंदर डालने में ये थोड़ी चीज़ें भी है, थोड़ी प्रॉब्लम और परेशानी होती है। लेकिन गाड़ी ऐसे सीधा जा रही थी, मैं नहीं ऑब्वियस दूसरा कोई चला रहा था, और ये जो है वो दूसरी गाड़ी जो है ना यहाँ पे लग गई है यहाँ पे, और ये अंदर पूरा चला गया, ये देख रहे हो इसे सिमिलर है, ये पूरी जो है पार्ट है ना ये सिमिलर दिख रहा है, लेकिन ये पूरा अंदर, ये अंदर घुस चुका है अंदर पार्ट। मतलब आप बिल्ड क्वालिटी देख सकते हो सुजुकी, ठीक है मुझे लगी, क्योंकि गाड़ी भी मेरे ख्याल से 80-90 के ऊपर थी, और ये जो है ना मुझे दिक्कत सी लगी यार, ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताए अंदर यार रस्टिंग कैसे हो जा सकता है, पूरा का पूरा रस्ट हो चुका है, देख लो ये पूरा रस्ट हो चुका है। और ऐसे भाई अगर जो है वो बिल्ड क्वालिटी वगैरह जो है वो मारुति सुजुकी दिया करोगे तो राम राम सत्यानाश हो जाएगा ही,
क्योंकि बाकी के अदर कंपनियों की अगर गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो तो मेरे ख्याल से ऐसे सिचुएशन में नहीं लगता कि ये रस्ट वस्ट हो जाए। अभी यहाँ पे देख लो, ये देख लो, ये पूरा पार्ट वैसे कैसा, अभी ये कैसा होता था पार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये ड्राइवर के साइड में ऐसे जो है वो गई हुई है ना, अभी थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ है, बंद कर देता हूँ, ये पूरी जो है वो अंदर गई हुई है। ये देख रहे हो सिमिलर है, ये जो पूरी जो है वो स्ट्राइप देख रहे हो पूरी सिमिलर है, मतलब डोर का प्रोटेक्टर के नीचे। अब ये पूरा पार्ट जो है ना मेटल का, ये मेटल का होता है, ये थोड़ा सा उससे कंपेरेटिवली थोड़ा डल होता है, ये पूरा हार्ड होता है, क्योंकि ये सरफेस इंपॉर्टेंट है ना, ग्राउंड क्लियरेंस मैटर करता है उससे। कोई गाड़ी वगैरह लग भी जाए तो अंदर जाएगा, ये पूरा धस जाएगा, है कि नहीं, इसलिए वो बिल्ड क्वालिटी अच्छी खासी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पूरा बेंड हो चुका है, मतलब इम्पैक्ट देख रहे हो कितना होगा, फिर भी ठीक है मारुति सुजुकी बिल्कुल ही। लेकिन ये मुझे चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, ये दिखाता हूँ आपको कि ये मुझे अगर कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके किसी भाई में अगर पता होगा तो। और मारुति सुजुकी की, मारुति स्विफ्ट हो चाहे ब्रांड न्यू स्विफ्ट हो, अभी ब्रांड न्यू स्विफ्ट तो क्या ही रस्ट हो जाएगी, लेकिन अंदर ही जो अगर इस ऐसे सिचुएशन देख रहे हैं, मैं जूम कर लेता हूँ, एक मिनट फोकस कर लेता हूँ, ये देख लो पूरा रस्टिंग हो चुका है यार, ये देख लो ये पूरा रस्टिंग हो चुका है। ऐसी अगर हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि पैसे 7-8 लाख रुपए फूकते हो, कोई कम नहीं होते। और यहाँ पे तो ठीक है यार, मान लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो इसकी फाइबर की क्वालिटी क्या ही देगी, डल क्वालिटी है। बाकी क्या अंदर वगैरह सब, इंजन की आवाज़ वगैरह काफ़ी कम सुनाई पड़ती है अंदर, काफ़ी अच्छी, 4-5, 5.5 साल हो रखे हैं गाड़ी को। भाई गाड़ी देख लो यार, अपनी चकाचौन डिजायर लग रही है, कहीं से गाड़ी जो है वो बेचने पर मजबूर हो जाओगे। अरे पूरी चकाचौन है, यहाँ से कॉर्नर वार्नर सब कुछ जो है क्लीन रखते हैं हम, क्लीन और नीट रखते हैं। हालांकि पहले ही सर्विस हो रखी थी और उसके बाद ये जो है वो सत्यानाश उसका हो गया, ये पूरी बेंड हो गई। और यहाँ पे जो है वो रस्टिंग वस्टिंग पूरा प्रॉपर, ये देख लो पूरा रस्ट पड़ चुका है, मतलब इसके अंदर ही अगर निकालते हो ना ये कलर, ये देख लो ये पूरा रस्टिंग हो जाता है, या फिर रस्टिंग अंदर से पूरा सड़ने लगता है। अब ये सड़ यहाँ से ये तो दिख रहा है, पर ये तो निकाल नहीं सकता, अब ये पूरा सड़ चुका है कि नहीं ये क्या पता भगवान जाने। तो भाई चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दूसरी बात ये है कि गाड़ी भाई परफॉर्मेंस वाइज तो खतरनाक है यार, परफॉर्मेंस वाइज मैं अभी बताता हूँ आपको क्यों, क्योंकि ये तो सॉर्ट आउट करूँगा इंश्योरेंस पे क्या देखेंगे, लेकिन यहाँ तक तो बिल्ड क्वालिटी ठीक है। लेकिन ये जो है ना अगर यहाँ पे लग जाता भाई, यहाँ पे टच होके गई है, ये पूरा बेंड हो चुका है, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ये बेंड हो चुका है। अगर ये इसके बाद जनरेशन आई ना मारुति स्विफ्ट और डिज़ायर के, थोड़ी चीप क्वालिटी होती गई जो है वो बिल्ड क्वालिटी। अभी मारुति सुजुकी की स्विफ्ट की ब्रांड न्यू 3 सिलेंडर ZX i1 इंजन आता है ना, उसकी जो है बिल्ड क्वालिटी इससे कंपेयर करते हो तो थोड़ी सी कम है, मतलब जैसे जनरेशन बीत रहा है जैसे जैसे कम होती जा रही है। अगर उसको लगता तो ये पूरा बैंड हो जाता, इसकी तो फिलहाल ठीक है, इससे पहले डिज़ायर थी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी। और दूसरी बात ये जो है ना जंग वंग थोड़ा सा लग चुका है यहाँ पे, और ये पूरा ये देख लो पूरा ये कलर जा चुका है, ये पूरा इंश्योरेंस में देखूंगा क्लेम होता है कि नहीं। मेरे ख्याल से 1200 रुपये इन फाइल इंटीमेशन के लेंगे, और ये जो है ना ये पूरा रस्टिंग वगैरह सब कुछ जो है वो निकाल देंगे, ये देखो ये पूरा पॉलिश कर देंगे। लेकिन ये मेरे को नहीं लगता है ये जाएगा, ये मेरे को लगता है फेंडर ही चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इंश्योरेंस में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। और उसके बाद ये जो है ना ये पार्ट मुझे लगता है पॉलिश से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बेंड हो चुका है, ये नहीं ये पूरी डिज़ाइन ही है, ये पूरा बेंड हो चुका है, यहाँ तक कि यहाँ पर बताता हूँ मैं, सिमिलर वैसे ही दिख पाता है। लेकिन सबसे बड़ा खर्चा आने वाला है तो मुझे लगता है इंश्योरेंस कंपनी को नीचे आने वाला है, ये पूरा पार्ट ही चेंज करना पड़ेगा। ये देखो ऐसा कुछ होता है पार्ट, यहाँ पे लगी नहीं है, ऐसा कुछ होता है पार्ट, लेकिन उधर तो पूरा जा चुका है यार मॉल। दूसरी बात है ये देख लो, यहाँ पे इस तरह से ये डिज़ाइन होती है, ये पूरा यहाँ से घिसके चली गई और इम्पैक्ट ज़्यादा यहाँ पे हुआ, इस तरह से ये पूरी की पूरी बर्बाद होगी। अभी गाड़ी का टोटल भाई मैंने थार वार देखी थी लगी हुई तो उसका तो कुछ लगा नहीं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया यार, ये जो कुछ भी है ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं यहाँ पे। और दूसरी बात है कि ये जो यहाँ से ये टायर बच गया, ये पूरा जो है वो स्टील व्हील बच गया, ये पूरा यहाँ पे ज़्यादा इंपैक्ट होके घिसके चली गई, नहीं तो ये पूरा जाता था। ये देख लो ये थोड़ा सा निकल चुका है, ये आप देख रहे हो ना डोर गार्निश, ये पूरा निकल चुका है। तो चलो ये भाई था कुछ अपना एक्सपीरियंस मारुति सुजुकी का, एक एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं लगा कि जो है वो कलर, ये देख रहे हो ये कलर फेड आउट हो जाता है, और उसके बाद ये पूरा निकलने के बाद ये पूरा अंदर रस्टिंग दिखाई पड़ता है। सिल्वर ग्रे की होनी चाहिए रिफिनिंग, जो रिपेंट के लिए रॉ कलर लगाते हैं ना वो दिखना चाहिए था, लेकिन पूरा अंदर सड़ चुका है यार, मतलब क्वालिटी तो थोड़ी सुधारो यार मारुति सुजुकी, अंदर तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक भारी भारी सा सामान VXI लगती है कहीं से। ये देख लो उस टाइम भाई जो है वो सीट कवर वगैरह डाले हुए थे, कितना ज़्यादा ज़बरदस्त सीट कवर है, देख लो ऐसा लग रहा है कि आफ्टर मार्केट काम ही नहीं किया, आफ्टर मार्केट ही फिलहाल किया था, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त है, कंपनी फिटेड ही है मेरे ख्याल से, उस टाइम कंपनी फिटेड किया था, लेकिन एक्सेसरीज में डलवाए थे जो है सीट कवर। लेकिन अंदर बाहर से तो ठीक है यार, लेकिन जब जहाँ तक कि बारिश का सीज़न आता है थोड़ा बहुत सुधार लेना चाहिए मारुति सुजुकी वालों को। तो
ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद ये था कि डिजायर अगर लेते हो, आप कोई भी मारुति सुजुकी की गाड़ी लेते हो, अगर आपके घर में गाड़ी है और अगर आपके घर में लग चुकी है तो इस तरह से अगर अंदर रस्टिंग हो तो मुझे भाई कमेंट करके ज़रूर बताया, क्योंकि ये चीज़ मुझे शॉकिंग लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब मेरे चैनल ओ मैच 007। बाकी अपने डिजायर भाई चक्का चौंध यार, आवाज़ तो देख लो बिल्कुल भी नहीं आती। यहाँ पे आम गिर गया था, पूरा बेंड हो चुका है, दिख रहे हो कैमरा में नहीं दिखेगा, थोड़ा सा बेंड हो चुका है, वो भी कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं 007 चैनल को थैंक यू सो मच। यह अपनी डिजायर।